अपने स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं वल्ली हेल्थ एडवाइस। और आज इस वीडियो में मैं जानकारी देने जा रहा हूं प्लेटलेट्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर होता है तो उसके ब्लड से प्लेटलेट्स की संख्या अचानक से कम होने लगती है, ऐसा क्यों होता है? अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हुई तो कौन कौन सी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं? प्लेटलेट्स का निर्माण हमारे बॉडी में कहाँ से होता है? और अगर प्लेटलेट्स की संख्या हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गई तो फिर क्या होने जा रहा है? तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो प्लेटलेट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। अगर किसी को डेंगू होता है तो उसके ब्लड से प्लेटलेट्स की संख्या अचानक से गिरने लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर प्लेटलेट्स कहते किसे हैं। तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का ही एक पार्ट है। हमारे ब्लड को पूरे तीन भागों में बांटा गया है। पहला RBC यानी लाल रक्त कोशिकाएँ, रेड ब्लड सेल, जिसके कारण हमारा पूरा खून लाल दिखता है। RBC का काम मुख्य रूप से हमारे बॉडी के पूरे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाना होता है। दूसरा है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल हमारे पूरे बॉडी का एक रक्षा कवच कहा जाता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल को ही इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसके कारण जो बाहरी बैक्टीरियाज और वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है तो व्हाइट ब्लड सेल ही उसे रोक कर रखता है। और इसमें से तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अगर आपको किसी कहीं पर भी चोट लगता है और खरोच होकर के खून बाहर निकलने लगती है तो उसे जमाने का काम प्लेटलेट्स का ही होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण हमारे बोन मैरो के जरिए किया जाता है। हालांकि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का भी निर्माण बोन मैरो के जरिए ही होता है। बोन मैरो हड्डियों के बीच के पार्ट को बोन मैरो कहते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स का निर्माण सबसे लंबे बोन मैरो के जरिए होता है, जिसे मेगाक्रायोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स काउंट पूरे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर की होती है। अगर 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख काउंट होता है प्लेटलेट का, जिसे नॉर्मल कहा जाता है। काफ़ी सारे लोगों में ये भ्रम होता है कि अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या कम हुई तो उसे डेंगू फीवर ही होगा, लेकिन प्लेटलेट्स काउंट में काफ़ी कारणों से गिरावट देखा गया है। अगर आपके इम्यून सिस्टम में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो ऑटो एंटीबॉडीज ब्लड हमारा पैदा करता है, जिसके कारण भी प्लेटलेट्स की संख्या कम होते देखी गई है। अगर किसी ड्रग के वजह से, दवाइयों के वजह से आपको साइड इफेक्ट होता है तो वहाँ पर भी प्लेटलेट्स की संख्या कम होते देखी गई है। प्रेग्नेंट वुमेन में भी, प्रेग्नेंट लेडीज में भी, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनमें भी प्लेटलेट्स काउंट में कमी देखी गई है। तो काफ़ी ऐसी बीमारियां साइड इफेक्ट है जिसके कारण प्लेटलेट्स की संख्या हमारे ब्लड से कम होते देखी गई है। तो अगर प्लेटलेट्स की संख्या हमारे ब्लड से कम हुई तो क्या होगा? प्लेटलेट्स का काम मुख्य रूप से हमारे ब्लड को जमाने का होता है। तो अगर आपके ब्लड से प्लेटलेट्स की संख्या कम हुई तो अगर किसी भी तरह का चोट लगता है आपको, या तो फिर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी काफ़ी खतरनाक मानी जाती है, तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग किसी भी तरह की हुई तो वहाँ पे प्लेटलेट्स काउंट कम होने के कारण वो इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं पाती है, जिसके कारण कभी कभी लोगों का मौत भी देखा गया है। तो अगर प्लेटलेट्स की संख्या आप में कम हुई तो अगर आपको कहीं पे भी चोट लगती है या तो फिर कट जाती है और ब्लड बाहर निकलते हैं तो प्लेटलेट्स कम होने के कारण उस ब्लड को जम पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। वो ब्लड बाहर निकलते ही रहता है, वो जम नहीं पाता है। तो प्लेटलेट्स का काम मुख्य रूप से हमारे ब्लड को जमाने का होता है, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो या तो फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, चाहे अंदर की कहीं पे भी ब्लीडिंग हो या तो फिर बाहर अगर चोट लगता है तो बाहर की ब्लीडिंग हो। तो अगर प्लेटलेट्स की संख्या हमारे ब्लड में कम होगी तो ब्लड का निकलना रेगुलर जारी रहेगा, वो जमेगा नहीं।
तो आप जानते हैं अगर प्लेटलेट्स काउंट अधिक हो गया तो क्या होगा। ब्लड में कभी कभी देखा गया है कि मेगाक्रायोसाइट जो प्लेटलेट्स निर्माण करता है वो अधिक मात्रा में प्लेटलेट्स का निर्माण करने लगता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में जो नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख की होती है वो मिलियंस में पहुँच जाती है। तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम 95% में नहीं देखा गया, लेकिन कभी कभी प्लेटलेट्स के कारण चेस्ट पेन और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स देखी गई है, क्योंकि जो क्लॉटिंग होता है हार्ट में ब्लॉकेज होता है वो मोस्टली प्लेटलेट्स के कारण ही ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक या तो फिर चेस्ट पेन जैसी बीमारियां होती हैं और वो सीरियस हो जाता है, जब वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होता है कहीं पे भी इमरजेंसी में, तो उसे पहले एस्पिरिन की गोलियाँ दी जाती है जिसके कारण उसका जो ब्लॉकेज हो वो ख़त्म हो सके। तो प्लेटलेट्स बढ़ने से जितनी प्रॉब्लम नहीं होती है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपके ब्लड से प्लेटलेट्स काउंट कम होता है तब देखा गया है। तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की संख्या कम क्यों होने लगती है? डेंगू फीवर में केवल प्लेटलेट्स की संख्या ही कम नहीं होती है, डेंगू फीवर में रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल की भी कमी होनी शुरू हो जाती है। जब डेंगू वायरस हमारे बॉडी में अटैक करता है तो वो सीधे बोन मैरो को अफेक्ट करता है, जिससे जो मेगा क्रायोसाइट्स बोन मैरो है वहाँ से प्लेटलेट्स का निर्माण बहुत ही कम हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाते हैं, एनीमिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण प्लेटलेट्स काउंट भी उस व्यक्ति में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो डेंगू फीवर में रेड ब्लड सेल की भी कमी होती है और प्लेटलेट्स की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और कमी इसलिए होती है क्योंकि वो वायरस डेंगू वायरस सीधे हमारे बोन मैरो को अफेक्ट करता है, जिसके कारण प्लेटलेट्स की संख्या में गिरावट देखी जाती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।